हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक डिफरेंट टाइप की चाट जो है ताल मखाने की चाट। चाट तो हम सभी डिफरेंट टाइप की चाट खाते रहते हैं, पर ये जो ताल मखाने की चाट है ये व्रत उपास में आप इजीली बना के फटाफट बना के इसे खा सकते हैं और यकीन मानिए इसका टेस्ट कोई और चाट से बिल्कुल भी कम नहीं है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। ताल मखाने को हम हल्का हल्का रोस्ट कर लेंगे ताकि थोड़ा सा ये क्रंची हो जाए। ताल मखाना आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हैं। आपको अगर ज़्यादा बनाना है तो आप ज़्यादा ताल मखाना ले सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे ताल मखाना बिल्कुल अच्छे से सिक गया है। ये अगर देखिए, अब इसे हम फ्लेम से उतारते हैं और बाकी चाट की तैयारी करते हैं। फ्रेंड्स, ये है फ्रेश घर का जमा हुआ कर्ड, पर इसे मैं अब थोड़ा सा छन्नी से छान लूँगी ताकि ये बिल्कुल स्मूथ कंसिस्टेंसी का हो जाए और थोड़ा सा थिक हो जाए। इस तरीके से छन्नी लगा के मैं इस कर्ड को छान लेती हूँ। ये देखिए, और कर्ड को छानने से, ये देखिए कर्ड छानने से एक स्मूथनेस और एक इवननेस आ जाती है जो चाट में डालने से भी बहुत अच्छा लगता है। इस कर्ड में मैं डालूँगी थोड़ी सी चीनी ताकि जब हम दही इसको यूज़ करें अपने चाट में तो एक अच्छा स्वीट फ्लेवर आए उससे। मैंने इसमें 1 टीस्पून शुगर डाला है और मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप चाहें तो 1 चम्मच इसमें पाउडर शुगर भी ऐड कर सकती हैं। अब हम अपने चाट की तैयारी करते हैं। जो बोल में मैंने कर्ड को स्ट्रेन किया है, अब देखिए वो जो ताल मखाना हमने रोस्ट किया था वो मैं इसमें डालूँगी। ताल मखाना कर्ड में इतना होना चाहिए कि वो बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए, ये बिल्कुल कर्ड में अच्छे से मिक्स हो गया है, बिल्कुल अच्छे से लिपट जाना चाहिए दही ताल मखाने से। ये है बॉइल्ड पोटैटोस। मैंने आलू को बॉईल करके ऐसे छोटे छोटे टुकड़े कर लिए थे तो इसको भी मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूँगी। आप क्वांटिटी अपने हिसाब से ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको आलू और ज़्यादा चाहिए तो आप इसमें और ऐड कर सकती हैं। ये देखिए, ये है सिंपल धनिया की चटनी जो हम घर में प्रिपेयर करते हैं विदाउट लहसुन। तो ये मैं डालूंगी इसमें धनिया की चटनी। ये की चटनी नॉर्मल इमली की चटनी जो अपन घर में बनाते हैं। तो ये है, ये मैंने खजूर से तैयार की है इमली की चटनी, तो इसमें मैं डालूंगी इमली की चटनी। थोड़ा क्रंची फ्लेवर देने के लिए मैंने लिए हैं इसमें थोड़े से अनार। ये ऑप्शनल है, पर इसे डालने से थोड़ा कलर भी उभर के आता है और खाने का टेस्ट भी बढ़ जाता है। ये है रोस्टेड पीनट्स फली, इसको भी हम डालेंगे, इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये देखिए, सारे व्रत की सामग्री है इसमें जो हम आराम से अपने फास्ट में इसे यूज़ कर सकते हैं खाने के लिए। टेस्ट के लिए मैं डालूँगी थोड़ा सा इसमें नमक, मैं सेंधा नमक यूज़ कर रही हूँ इसमें। थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे इसमें हम। ये थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर डाला है मैंने इसमें, स्प्रिंकल किया है अच्छे से सीजनिंग में। ये फाइनली चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स और ये है बारीक सेब, ये मैं अभी डाल रही हूँ, पर ये हम जब फास्ट के लिए बनाएंगे या उपवास में बनाएंगे तब हम इसे नहीं ऐड करेंगे। ये मैंने डाला है क्योंकि इसमें मैं चाट फ्लेवर देने के लिए जब तक बारीक सेब ना हो तब तक मज़ा नहीं आता, तो मैंने इसमें थोड़ा सा डाला है बारीक सेब। तो ये देखिए, ये रेडी है हमारी ताल मखाने की टेस्टी वाली चाट। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आपको बहुत पसंद आएगा। और अगर आप उपवास के समय बनाएंगे तो ये बहुत आपको एनर्जी भी देगा और बहुत फुलफिलिंग भी रहेगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे अपलोडेड वीडियोज़ आप तुरंत वॉच कर सकें। थैंक यू।